म्यूज़िक इंडिया की यूट्यूब चैनल में दर्शन रावल का नया म्यूज़िक वीडियो सॉन्ग ढोल बजा रिलीज़ हो चुका है। तो ये गाना कैसा लगा? देखने और सुनने में दोनों ही मुझे लाजवाब और बेहतरीन लगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, इस गाने का अगर ऑडियो की बात किया जाए, इस गाने को गाया है दर्शन रावल ने और उनके साथ है प्रकृति गिरी, और म्यूज़िक कंपोज किया है जावेद और मोहसिन ने, लिरिक्स को लिखा है दानिश साबरी ने। अगर ऑडियो के हिसाब से अगर आप ये गाने को जज करें तो मैं कहूँगा दर्शन रावल एक वर्सेटाइल सिंगर है। उनको कोई भी सिचुएशनल सॉन्ग दीजिए, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे इमोशनल सॉन्ग हो, चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे कॉमेडी जो मतलब हंसने वाली जो सॉन्ग होते हैं वो गाना दे दो, या डांस नंबर दे दो, कोई भी सिचुएशनल सॉन्ग दे दो, दर्शन रावल के गले के अंदर वो वर्सेटैलिटी है और वो जिस स्टाइलाइज तरह से वो गाना गाते हैं वो ऑडियंस को ऐसे ही बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। और उन गाने के अंदर उनके जो गले के अंदर वो जो सॉफ्टनेस है, जो मेलोडी है, जो इनोसेंस है, जब वो गाते हैं वो अच्छी तरह से वो झलकता है, वो सुनने में जब आप सुनते हो आपको अच्छा लगता है। तो ओवरऑल इसी गाने में ढोल बजा में भी उनका जो गाना था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उनका और प्रकृति का दोनों का जो वॉइस का टेक्सचर है बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे सुनने में, और इसका जो कॉम्पोजिशन है इस गाने का बहुत ही बेहतरीन लगा। जावेद और मोहसिन ने जिस तरह से कंपोज किया इस गाने को, और दर्शन रावल का जो गायकी और उनका वॉइस टेक्सचर, सब कुछ मिला के जब आप सुनेंगे आप मज़ा मज़ा करेंगे, आपको अच्छा गाना सुनने को मिलेगा और आप एंटरटेन होंगे और आपका मन करेगा कि डांस मतलब डांस करने के लिए। और अब जब बहुत से लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से ये गाना सुनते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, जब कोई इसको विजुअली भी देखेंगे तब उनको आप मतलब अपने पैरों को रोक नहीं पाओगे। बहुत ही बेहतरीन तरह से इसका जो वीडियो क्वालिटी मतलब वीडियो जो इस तरह से है उसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब बहुत ही अच्छा तरह से। अब वीडियो की बात अगर किया जाए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा इस वीडियो सॉन्ग में दर्शन रावल के साथ हम देख पाएंगे वरीना हुसैन को। दोनों का केमिस्ट्री इस गाने में बहुत बेहतरीन है। इस गाने को जिस तरह से शूट किया गया है, इसका जो सिनेमाटोग्राफी है काफ़ी बेहतरीन है। हर वो शॉट जिस तरह से लिया गया है वो शॉट में एक फ्रेशनेस है, और जिस तरह से यहाँ पे नवरात्रि और गरबा का जो डांस है, जिस तरह से आदिल शेखा वो जो डांस कोरियोग्राफी किया है, हर वो स्टेप बहुत अच्छा है। और दर्शन रावल ने जिस तरह से एक्ट परफॉर्म और डांस उसके साथ साथ गाना गाना सब कुछ मिला के कॉम्पैक्ट परफॉर्म किया है। और दर्शन रावल का इस म्यूज़िक वीडियो में उनका डांस मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, जिस तरह से उन्होंने हर स्टेप को इतने क्लीन तरह से किया है लगता है कोई प्रोफेशनल डांसर डांस कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे दर्शन रावल का परफॉर्मेंस स्पेशली इस सॉन्ग के अंदर। आदिल शेख का जो डांस कोरियोग्राफी है वो बहुत बेहतरीन है, उन्होंने जिस तरह से इस म्यूज़िक वीडियो को डायरेक्ट किया है वो भी काफ़ी लाजवाब है। ये जो पूरा गाना है, गाने के अंदर दर्शन रावल के साथ साथ हम देख पा रहे हैं वरीना हुसैन को, उनका भी यहाँ पे उनका भी डांस, उनका ग्लैमर, उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, उनका जो एक्टिंग है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज और डांस थे बहुत बेहतरीन है, लेकिन कंपेयर टू दर्शन रावल थोड़ा फीका पड़ गए। दर्शन रावल का एक्टिंग डांस मुझे इस म्यूज़िक वीडियो में बहुत ही बेहतरीन लगा, प्रोफेशनल डांसर की तरह वो डांस कर रहे, हर वो स्टेप वो जो कर रहे थे हर वो स्टेप क्लीन था। इस जो म्यूज़िक वीडियो है उसमें दर्शन और वारिना का जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी अच्छा लगा। विजुअली आप जब देखेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। जब दोनों एक साथ दर्शन और वरीना जब डांस कर रहे थे वो जिस तरह से वो शॉट लिया गया है उसमें स्टाइलाइज था, और रंगों का जिस तरह से इस्तेमाल किया है गाने के एकदम आखिर में वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। और ओवरऑल इस जो म्यूज़िक वीडियो उसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, खासकर सेट और आर्ट डिज़ाइनिंग बहुत ही बेहतरीन है, देखने में आपको बहुत फ्रेश लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। विजुअली वो काफ़ी सूदिंग एक गाना है, आप जब देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। और ओवरऑल परफॉर्मेंस, डांस स्टेप, कोरियोग्राफी, म्यूज़िक सब कुछ लेके कलर का, रंगों का इस्तेमाल, और इस म्यूज़िक वीडियो में जिस तरह का मतलब वो जो कहते हैं वो ड्रेस जिस तरह का डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे, इस म्यूज़िक वीडियो के जो फैशन डिज़ाइनर थे उनका जो काम है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस थीम के साथ नवरात्रि गरबा के साथ जिस तरह का ड्रेसेस दिया गया है उनको फ्रेशनेस, आदिल शेख जिस तरह से म्यूज़िक वीडियो को डायरेक्ट किए हैं तो उस म्यूज़िक डायरेक्शन के अंदर वो डांस स्टेप से लेके सेट आर्ट डिज़ाइनिंग प्रोडक्शन क्वालिटी जो था, ओवरऑल लुक एंड फील बहुत ही ब्रिलियंट लगा मुझे, बहुत वाइब्रेंट लग रहा था, बहुत यूनिक लग रहा था, ऑथेंटिक लग रहा था, जो आप देखेंगे जब आपको भी वो फील आएगा। तो ओवरऑल यही था मेरे राय ढोल बजा गाने के बारे में। अगर आप लोग अभी तक इस म्यूज़िक वीडियो को नहीं देखे तो सोनी म्यूज़िक इंडिया के यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर देखिए, और देख के आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये जो म्यूज़िक वीडियो जो ये जो गाना है ढोल बजा, अगर आप ऑडियो में सुनना चाहें तो बहुत जितने भी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं सभी जगह पर अवेलेबल है, आप जाके सुन भी सकते हो। इस गाने को लेकर आपका क्या राय है ज़रूर कॉमेंट।